प्रोग्राम रूबरू देख रहे सारे ही दर्शकों गिल प्रदीप वालों सत श्री अकाल। दोस्तों इस प्रोग्राम दे विच असी वख वख फनकारां नूं तुहाडे रूबरू करदे रहिंदे हां ते अज असी पहुंचे हां कुप कलां विच जिथे कि साडा एक परम मित्र रहिंदा है जिहड़ा अमेरिका दे विच वख वख शहरां दे विच शो करके गए ने और लोगों नूं सीधे राहे पाउण दी कोशिश कर रहे ने। भाई कमर गरेवाल जी अज दे प्रोग्राम दे विच उहनां दे नाल गलबात होएगी। सत श्री अकाल भाई जी, और तुहाडे घर आए हां अज असी तुहाडे मेहमान बन के, तुसीं साडे मेहमान बन के आए सी। सत श्री अकाल दुबारे, सत श्री अकाल वदी भाई। और सब तो पहलों तो इस चैनल के पूरे परिवार को ग्लोबल पंजाब के पूरे परिवार को मेरे वालों सत श्री अकाल है, प्यार सत्कार है भाजी होरां नूं भी। और तुसी साडे घर नहीं आए, तुसी अज भी आपके घर आए हो, तो ये अपने घर है सारिआं दा ते जी आइआं दा। अज जदों इत्थे आए असी तो एक कलाकार नूं मिलण दी चाह सी भी कमर गरेवाल नूं मिलना है ना, पर जो इत्थे आए तो लगे नहीं भी कोई ये कलाकार दा घर आ। एक बड़ी साधारण जी तुसी जिंदगी जी रहे हो ना, इहदा की राज है? राज कोई नहीं, इहदा बस ठीक है, इदा ही जाना चाहिए सारा नूं। साडा साडी प्रॉब्लम ही मेरे ख्याल च इत्थों आई है कि असी अज दा बंदा बहुत वड्डा बनने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत वड्डा बन जा, पर गल सारी सुंगड़न की है। जिहड़े जिहड़े सुंगड़ गए वो सौखे रहणगे, जिन्होंने कहता भी आह भी कर लीए आह भी कर लीए तो दुख ही है। जदों असीं इत्थे कुप कलां दे विच आए है ना, इस पिंड दा ना फलौण कलां, फलौण कलां कुप कलां बिल्कुल नाल इत्थों अपने 2 किलोमीटर नाल ही कस्बा पैंदा है। ये तां कहिंदे आ मामा सदीक साहब दा पिंड है, ये तां करके मशहूर है। पर ये 2 फलौंडां ने, एक फलौण कलां एक फलौण खुरद नाल। ठीक है ठीक है। सो इत्थे जदों असीं आए ना तां तुहाडे अक्सर गल्लां दे विच वी जिक्र हुंदा वी मैं बेबे कोले कुटिया दे विच रहिंदा है ना, सो इत्थे आ के तुहाडे कुटिया दे दर्शन कीते है ना, इत्थे अज सिमरन हो रहा सीगा ना, उह देखिआ वी किस तरह तुसीं लोकां नूं अपने गुरू दे नाल जोड़न दी कोशिश करदे हो ना। पर कई जिहड़े तां लोक तुहानूं जाणदे आ, नेड़े तेड़े रहिंदे आ, उहनां सारिआं नूं इहनां चीज़ां बारे पता है, पर जिहड़े तुहाडे तों दूर रहिंदे, जिहड़े जिहड़े तुहानूं मिले नहीं कदे है ना, उहनां दे मन दे विच कदे कदे ख्याल आउंदा वी कमर गरेवाल डेरावाद नूं बढ़ावा दिंदा है ना, वी उहनां दा इक डेरा बनाया होया इत्थे है ना, इहदे बारे इस कुटिया दे कार्यकाल बारे दसो वी इत्थे की काम हुंदे आ, किस तरह दा काम हुंदा इत्थे? सब तों पहली बात तां इह है फरदीप यार वी कोई की कहिंदा ना, ये स्टेटमेंट जी हुण मैं पाड़ी बैठा है कि कोई की कहिंदा, क्योंकि कोई तो कुछ ना कुछ कह रहा है ना, पर बस गल यही है साडे गुरुआं ने साडे पीरां फकीरां ने यही कहा कि तुसीं सच्चे होवो और बस तुहानूं पता होवे और तुहाडे रब नूं पता होवे, बाकी कोई की कहिंदा है। जे कोई चंगा भी कहिंदा तो उस चीज़ का भी मैनूं कोई बहुता नहीं होना चाहिए कि यार हाँ भी ठीक है वो मैनूं चंगा कह रहा, जे कोई माड़ा कह रहा तो वह भी वधिया है। पर कई वारी हाँ इदा हो जाता कि नहीं पता होंदा कि कित्थे रहिंदा है, क्योंकि मेरा गाउण दा ज्यादा काम दरगाहां ते भी गाउणा, मैं मंदरां च भी गाउणा, हुण गुरुद्वारां च भी गाउण लगिया मैनूं सारे, तां बस उही है कि मैं तां इक गल कहिंदा ना कि यार मेरा होका चैक कर लिओ। इह सवाल बहुत वारी पहलों भी होया इदा कि बहुत सारे लोगों को इदा कि कितें इदा कोई जिते नशे पत्ते होंदे आ उस ऐसी जगह ते रहिंदा कितें, मैं असलियत लोकां सामने करना चाहुंदा इस कुटिया दी। बस इह है वी इत्थे तां ज़्यादातर रब रब ही है बेबे साडी, तां मैंने भी उदों कुछ देखा ही सी जदों मैं नौकरी छड्ड गया सी यूनिवर्सिटी में है ना, तो उदों बेबे दीआं गल्लां सुन के लग्या सी कि यार ये उस तरह वाला कोई बाबा नहीं है जिहड़े कहिंदे वी कृपा कर देंगे ये कर देंगे, क्योंकि फर्क है जे तू झाती मारेगा ना। मैं हुण जिन्नियां कि थावां ते गाया ना, मैनूं इक एक्सपीरियंस होया कि सिद्ध पुरश और महापुरश दे विच बड़ा फर्क है, ये बड़ी गहरी है गल ये कि सिद्ध पुरश है जिहड़ा जिदा रिधिया सिद्धिया ने कह दें आप कि किसी के दिल का हाल दसता ज किसी का इदा हो गया पहलों दसता, एक हों महापुरश, महापुरश यार रिधिया सिद्धिया तो कोसा दूर है, वो सिर्फ तो सिर्फ मुक्ति की बात करता है कि इस आत्मा जी उ खेड जी मालक ने खेडी भी अपने ना इनू किमें वापस लेके चलीए। खेड असल ये है तो बेबे होर पहले दिन जो मैं गल् सुनिया से तो उस दिन यही इन्हों का सबजैक्ट सी कि यार भी आप वापस कि जाना है, बाकी तो छड़ तो बाकी ना ही भरावा। मैं इतने 5 साल हो गए रेंदे कि बेबे कोई ऐ कहती हो कृपा कर देंगे, नहीं ये तो इन्हों की थ्योरी नहीं है, ये तो कहते भाई एको ही है बस उही दे रहा है, और ये सच भी है बस एको ही है दे रहा है। जे कोई वह शरीक बनया बैठा तो वास्ते माड़ी गल है। क्या बात है, बड़े वधिया विचार है तुहाडे, एक
कलाकार दे ते गायक दे इस तरह दे विचार बड़ा चंगा लगता भी इस तरह दे विचार जे सारे कलाकारां दे होण तां जो अज गीतां दे विच दिखाया जा रहा मेरे ख्याल इस तो कोहां दूर लोकां नूं चंगे पासे जोड़िया जा सकदा कलाकारी राहीं गायकी राहीं भी अपनियां गल्लां बातां बहुत वधिया हो रहीयां ते मैं अगे आम कलाकार नूं कहिंदा हुंदा वी कोई आपदा गीत सुणाओ हणा ते तां कि माहौल आ जिहड़ा थोड़ा जिहा एंटरटेनमेंट वाला बने पर तुहाडे गीत आ जिहड़े वह भी लोगों को चंगे पासे जोड़ दे तुहाडा पिछे जे रिलीज़ होया जदों तुसीं न्यूयॉर्क आए हुए से वह गीत है ना बाबा मस्ताना जोगी ते जोदियां दो लाइना हो जाए तो फिर आप ब्रेक ते चलांगे बाबर दे जेल खाने पीसण नू मिलदे दाणे बाबर दे जेल खाने पीसण नू मिलदे दाणे चक्की ता बोले सत कर तार इक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार इक मस्ताना जोगी तकिया मैं बाबर दे दरबार इक मस्ताना जोगी क्या बात है भाई बड़ा चंगा लगे इस तरह के गीत सुन के ताकि चंगा लगता भी कलाकार आ जिहड़े इस तरह के भी ने जिहड़े कि समाज नूं चंगे पासे ले जाण दी कोशिश कर रहे ने नहीं तो अजकल तो गीतां दे विच हुंदा भी तू आ गई तू उठ गई तो तू आ हो गया जो कुछ परोसया जा रहा बड़ा दुख लगता जाण के सो तुहाडे नाल गल्लां बातां बहुत वधिया हो रही भाई इसी तरह रहणगियां जा रही हुण ब्रेक लै लईए सो दर्शको प्रोग्राम रूबरू दे विच हुण समां एक ब्रेक का हो गया ब्रेक तो बाद कमर गरेवाल हुणां दे नाल गल्लबात रहेगी जारी असीं उहनां दे घरे कुटिया दे विच बेबे कोले अज आए होए आ बड़ा चंगा लगा इत्थे आ के बड़ा वधिया माहौल है जिहड़ा इस कुटिया का बनाया होया बाई हुणां ने बेबे हुणां ने सो तुहाडे नाल मुलाकात इस तरह रहेगी जारी मिलदे आ ब्रेक तो बाद ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम रूबरू दे विच असी आए हुए हैं बाई कंवर गरेवाल होना कोले उन्हां दी कुटिया दे विच बड़ा चंगा लगा इत्थे आ के बड़ा वधिया माहौल है जिहड़ा सानूं देखण नूं मिलिया बाई स्वागत है तुहाडा ब्रेक तो बाद एक बार फिर आपां गल्लां बातां कर रहे तुहाडी गायकी बारे है ना तुहाडे इस सादे जीवन बारे है ना कलाकार आ जिहड़ा है ना पंजाब दा कलाकार आ जिहड़ा उह जिस तरह तुसी धार्मिक विषयां नूं छोया है ना समाजिक विषयां नूं छोया है ना एक कलाकार आ जिहड़े सारे रल के कुछ इस तरह का हंबला नहीं मार सकते आपां सारी गल सरकारां ते सट दिंदे सरकारां आ नहीं करदियां समाज दे विच आ नहीं करदियां कलाकार अपना योगदान किसी तरीके दे नाल पा सकदा समाज नूं सुधारन दे विच जां जिहड़ियां गरीबां नूं कोई प्रॉब्लम्स आउंदियां उहनां नूं हल करन दे विच बिल्कुल कर सकदा है इत्थे प्रदीप भाई गल इस तरह है कला कलाकार नाल लै के चल जिहदे हथ च भी मालक ने माइक फड़ाया ना जिन्हों दुनिया सुनती है जिहदी गल नूं वो चाहे चंगा बीज सकता है चाहे माड़ा बीज सकता है तो जे कलाकार भाईचारे की गल करिए साडे हथ च माइक दिते हुए उस मालक ने ना कि तू बोल यार तेरी गल सुनगे लोग तो उत्थे तो हुण मेरा आपदा कर्म खड़दा कि मैं की बोलना है मैं की बोलना है असीं सारे गाउण वाले हैं पैसे लैके ही गाउणे मैं भी पैसे लैके गाउणा बाकी वीर भरा भैण साडे सब वो भी पैसे लैके गाउंदे आ तो उत्थे बस जे असीं इन्ना की याद रखिए कि यार मेरा कर्म यह है कि हुण पंडाल दे विच धीआं भैणां सब मावां साडियां बजुर्ग भरा खड़े बैठे आ तो असीं बस गल ही इस तरह की करिए कि सानूं एक इत्थे परिवार जिहा बण जाए बस कदे कोशिश कीती किसे कलाकार ने इस तरह का कोई हंबला मारन की वी सारे रल के गल करिए आने वाले टाइम च हो सकता है कोई इस तरह का सब मालक बनावे बस गल इदा ही है कि बस कई बार फुरना फुरदा है तो घटना घट जाती है तो हो सकता है इस तरह की कोई आने वाले समय गलबात बने सारे वीर भरा कट्ठे हो गए गल उ है कि असी भुले हुए हैं याद ही कराने बस कई बार बंदा समुद्र के ना कंधे पर खड़ा होंगे तो कोई धक्का मारने वाला नहीं होंगे उछाल वज गई धक्का वज गया तो बस किनारे ती होंगी खेल कई बार तो बस इस तरह का कोई आऊ कोई ऐसा जरा ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਊਗਾ ਬਾਕੀ ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੋਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਜੋ ਨਰਕ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
लोग बड़ा प्यार करते हैं तुहानूं, क्योंकि तुसीं कदे भी माड़ा सोचिया भी नहीं, माड़ा गाउण दी गल तां वक्खरी है ना, तुसीं हमेशा ही चंगी सोच नूं गाया, चंगी कलम नूं गाया है ना। पर इदां क्यों हुंदा वी लोग जिन्हों ज़्यादा प्यार करते हैं ना, किते ना किते कंट्रोवर्सी आ जिहड़ी, उह वी सब तों वध उहदे नाल ही जोड़दे आ। जिस तरह तुहाडी पहलां मस्तां वाली गल वाली कंट्रोवर्सी काफ़ी रही है ना, पिछे जे जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई है, तो उस टाइम पर तुसीं एक प्रोग्राम का क्लिप आ जिहड़ा किसी ने चक्के फेसबुक पर पाता, इदा क्यों होंगे भी प्यार जिन्होंने सब तो वध है तो उदों फिर विरोध भी वह सब तो वध कर लग जाए। यही तो चंगे कर्म है मेरे के विरोध भी हो जाता। सोच के देखना कबीर साहब ने कहते होंगे ना कि निंदा मुल लैन वाली गल सी कि ये जरूरी है, बस गल उही है ना कि मैं जो भी गुरु ग्रंथ साहब बारे बोलिया तो वो सुनिया सबने है ना, पर कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो मेरे सामने बैठ के डिस्कस कर ले, क्योंकि पता उन्होंने भी है कि सच है। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी चार वर्के पाड़न नाल नहीं, ये तो जदों का आया है उदों के असी करते आ रहे हैं। अज मैं गल फिर बोल दिना वधिया, अज तुसी अज किसी चैनल पर पाओगे तो गल सुनगे भी। बेअदबी दोस्तों वो है जदों असी चार लावां लैके ना और उस तो बाद बिना गुरु नूं पुछे बिना किसी की राय लए उस लड़की नूं जां उस लड़के नूं तलाक दे दिंदे आ और उस तो बाद कुछ होर ताने बाने बुने जांदे आ। तो मैं कहना कि जिहड़े गुरु तो आसरा लैके उहदी ओट लैके असी चार लावां उहदे घर दे विच दर दे उत्ते खड़ के लईआं है तो उस नूं पासे करके बेसत्कार करना तो बेअदबी ही तो है। हुण असी पंजाब च देखदा मैं माहौल मैं इत्थे ना तो इत्थे भी की हुंदा कि खंड पाठ जां सहज पाठ का भोग पैंदा जे कोई खुशी का जिवें विआह च हुंदा तो गुरु साहब की हजे सवारी हजे उत्थे पहुँची नहीं हुंदी गुरुद्वारे, पहलां घरां च शराबां आ जांदियां और पहलां ही डीजे चल पैंदे आ, नहीं तो शाम तो चलता ही है की गल। जिहड़ा तड़के गुरु साहब घरे हाजिर सी जदों असीं कह रहे सी कि भाई साडियां हाजरियां कबूल करी तो वह गुरु साहब शाम नूं चला गया, शाम नूं चला गया। तो ये बेअदबी तो है, गुरु दे सिख नूं पता ही नहीं है किस अख ने की देखना, इन्हां कन्नां ने की सुनना। सारा दिन असीं चुगल ग्रंथ पढ़ते हैं, सारा दिन इधर उधर दीआं गल्लां कर रहे हैं और इस जुबान ना जड़ी ना वाहिगुरू अल्लाह राम बोलना सी, तू भी जानता मैं भी जानता कि असं की बोल रहे हैं। तो रौला ये सारिया गुरु की बेअदबी वाली गल्लां तो है, वो तो कहता बंदा बन तू किसी तो की लैना है, तू किसी तो की लैना हूँ। जिस तरह ठीक है मैनू बहुत लोग प्यार करते हैं बिच बहुत गालां भी कढ़ते हैं तो, पर एक स्नेहा उन्होंने कि तुम मेरे तो की लैना, बस मेरे गीत सुनो जो तुम चैन आता तो बस चैन लो, तुम की लैना मेरी विरोध करते हैं, विरोध करते उन्होंने की कहना चाहो कुछ भी नहीं, प्यार है सारे लिए, सारे लिए प्यार है, क्योंकि फर्क कुछ नहीं है, बस इन्ना कि टाइम बचाओ आपका, मेरे वर्गे मूर्ख बंदे पिछे टाइम ना खराब करो, समा बड़ा कीमती है। मैनू याद आ जदों शोज़ ते किसी ने आना हुंदा सी ना तो आउण तो पहलां कई सवाल लैके आउंदे हुंदे सी प्रोग्राम ते, और भाई करमजीत धालीवाल दा मैं जिक्र करना चाहूँगा जिन्हां दे अगले दिन खंड पाठ ते आपां घरे गए सी, वो दो कु दिन पहलां शो तो मेरे नाल पूरी उहनां दी बहस होई है ना वी तुसीं किस तरह दा शो करा रहे हो, लै उहनूं कड़ा गाउणा आउंदा, वो कि वजे कपड़े पाउंदा, सिंगरां वांगू कोई बाणा ही नहीं आउंदा ते शो ते की होऊगा है ना। तो मैं उहनां नूं कहा वी तुसीं इक वारी शो जरूर देखण आयो, तो शो के सब तो वध ताड़ियां भी उन्होंने मारियां तो एप्रीशिएशन भी उन्होंने की, तो उस तो बाद अगले दिन आपके खंड पाठ के घर भी तुम्हें इनवाइट किया भी इस तरह की सोच में मैं सलाम करता। हाँ 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 सो बड़ा वधिया, मतलब मैनू भी चंगा लग्या भी जिहड़ा बंदा कंट्रोवर्सी करता एक बार आके शो जरूर देखे, गलबात पहला आप सुने फिर किसी की सुनी सुनाई गल तो मेरे ख्याल यकीन ना करे तो चंगी गल होगी, पता लग जाऊगा कमर करे हल्का होना बड़ा चंगा। मैंने एक गल का पता लगता जी यार तू प्यार बहुत करता मैं कि मैं उत्थे भी देखा कि उत्थे भी तू ना सारे टूर जदों भी मैं तेरे नेड़े तेड़े हुंदा सी तू तू करदा सी सारा उही कुछ यार भी मैं इहदे बारे दसां लोकां नूं, तां मैं तां हुण भी तू ऐसे कम लई आया जिहड़े आसवाल पुछी जांदे सारे ऐ क्लीयर कर दिया। मैं नहीं नहीं मेरा मेरी मेरा यह फर्ज़ बनता है भी जे कोई कलाकार चंगा काम करता है चंगे गीत गाँव है तो उन्होंने एप्रीशिएट करना चाहिए, लोगों मूहे लेके जाना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे भी आप माड़े जे कोई माड़ा सिंगर गाँव सारे वो गीतों के नचण लग जाते तो फिर सारे तो वो विरोध भी वह करते, जो कोई चंगा गाँव तो उन्होंने लोगों सामने दसना चाहिए ताकि उन्होंने भी हलाशेरी मिले भी जे मैं चंगा काम कर रहा तो लोग उन्होंने सलाह ले रहे, तो मैं ये करना चाहता। चल तेरा कर मैं भरावा जा, चलो गल्लां बातां जिहड़ियां उह चलदियां रहियां, कोई गीत जरूर सुनाओ कोई भी जिहड़ा तुहानूं हुण चंगा लगदा। हुण ना कैसेट जांदे रहे तां महीने क तक महीना लाला बस जनवरी तक आ रही है तां उह गीत है उहदे बोल सुणा तुहानूं मैं चार जी बंद जुबाना दा
ਸਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਸਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਬਿਨ ਬੱਤੀਓ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਗਦਾ ਏ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੋਲੀਦਾ ਰੋੜ ਦੇ ਬਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰੋੜ ਦੇ ਬਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ ਓਏ ਛਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇ ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂੰਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂੰਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ ਵੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਵਾਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਵੇ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਵਾਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਸ ਪਾਰ ਦੀ ਵੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਵੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਮੁੱਕਣੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਧੋ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂੰਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਧੋ ਲੈ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂੰਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਧੋ ਲੈ ਲਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਬਾਈਕਾਂ ਵਰਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ pgill@globalpunjabtv.com 'ਤੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।